हाय फ्रेंड, तो आप लोग इमला लिखने से पहले इसको स्टॉप कर करके एक दो बार पढ़ लें ताकि इमला लिखने में कोई गलती ना निकले। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। दो, ये गणित में दो रहेगा। अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिता जी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर
स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैं कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिता जी सरवण पितृभक्ति पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीदी खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी अंकी मिंदी गाप बड़ी मात्रा बहंगी पर बैठकर ले जाने वाले
तरवड़ कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी सरवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना
पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और जो आपने इमला लिखा है उसको मिलाइए, और जितनी भी गलतियाँ निकले उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी गलतियाँ निकलती हैं।